तो दोस्तों आज के इस वीडियो हमारे पास है यहाँ पर एक नोकिया का मोबाइल फोन। दोस्तों ये पुराने जमाने का कीपैड फोन है। इसके अंदर दोस्तों मेमोरी कार्ड है, आप गाना सुन सकते हो, 3D में पिक्चर देख सकते हो और दोस्तों फोन बात कर सकते हो इसके साथ से। लेकिन दोस्तों ये वाला मोबाइल फोन मुझे जो है वो कबाड़े में मिल गया फ्री में। लेकिन दोस्तों ये पता नहीं कि ये मोबाइल फोन ठीक है या फिर खराब है। तो इसके अंदर क्योंकि बैटरी लगा नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर बैटरी लगा होता दोस्तों तो कबाड़े वाले ये मुझे देते नहीं, और जिनका मोबाइल फोन था उन्हें भी पता चलता कि ये मोबाइल फोन ठीक है या खराब है। तो इसीलिए उन्होंने बेच दिया और कबाड़े वाले ले लिया। लेकिन दोस्तों मुझे फ्री में मिल गया, लकी आप कह सकते हो कि मुझे ये फ्री में मिल चुका है। तो अब दोस्तों इसको हम चेकिंग करेंगे और देखते हैं क्या खराबी इसके अंदर खराबी होगा, तो इसको हम ठीक करेंगे। और इसको ठीक करने के बाद दोस्तों आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को ये वाला मोबाइल फोन मैं देने वाला हूँ, यानी इस वीडियो में मैं आपको ये वाला मोबाइल फोन गिवअवे करूंगा और देखते हैं किसको मिलता है। तो आप लोग भी इस वाले मोबाइल फोन को पा सकते हो। इसको पाने के लिए आइडिया काफी सिंपल सा है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना है, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसको अनाउंसमेंट करने के लिए तो आपका कमेंट पढ़ूंगा और जिसमें सबसे अच्छा कमेंट होगा उसी को मिल जाएगा ये मोबाइल फोन फाइनली। तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो दोस्तों चलिए इस वाले मोबाइल फोन को सबसे पहले ठीक कर लेते हैं। तो वीडियो छोड़ते हैं बिना किसी देर के, सोलर बीच ऑन दिस। तो दोस्तों इस वाले मोबाइल फोन को चेकिंग करने के लिए मैं मल्टीमीटर के यहाँ पर बजन मोड पे सेट कर दिया हूँ, कंटिन्यूटी मोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसके टर्मिनल्स जो है यहाँ पर बैटरी का जो टर्मिनल्स है यहाँ पर तीनों टर्मिनल्स, इस पर हम वायर को चेक करेंगे यानी मल्टीमीटर के प्रॉक्स को लगाएंगे। और फिर अगर दोस्तों इसके अंदर बजर की आवाज़ आई यानी घंटी की आवाज़ जो बजेगी तो समझ लेना है ये मोबाइल फोन का पार्ट जो है वो बॉडी बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है। लेकिन अगर आवाज़ नहीं आई, सिर्फ कुछ रीडिंग शो हुआ जैसे 4.5 वोल्ट या फिर 3.7 वोल्ट, तो समझ लीजिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उतना दोस्तों इसका वोल्टेज जो है इसके अंदर सपोर्ट करता है, बैटरी से जाता है उतना दिखाएगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं इसके अंदर, फिर देखते हैं कि ये मोबाइल फोन का बॉडी जो है ये सही है कि खराब है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, मतलब ये मल्टीमीटर बिल्कुल सही से आवाज़ दे रहा है, काम कर रहा है ठीक से। तो इसके टर्मिनल्स को मैं आपस में यहाँ पर टच करूँगा और आप देखना आप लोग यहाँ पर, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक दिखा रहा है, मतलब ये शॉर्ट नहीं कर रहा है, वरना का शॉर्ट करता है जिस तरह से यहाँ पर भी शॉर्ट कर रहा हूँ। तो आवाज़ आ रही है काफ़ी तेज़ मल्टीमीटर की, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये बिल्कुल सही टकाटक है इसका सर्किट कर रहा हूँ। और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। तो अब इसको हम बैटरी लगाकर चेक करेंगे कि ये खुलता है या फिर नहीं खुलता है, क्योंकि इससे इसके बाद इसको हम चेक करेंगे और ज़्यादा इसके बॉडी को। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर बैटरी बिल्कुल सही दिखा रहा है बैटरी का पॉइंट, तो इसलिए हमें चेक कर लेना है कि मोबाइल खुल रहा है या नहीं। अगर नहीं खुलेगा तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑपरेशन और करेंगे हम, इसको खोलने के बाद इसकी बॉडी को सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे। लेकिन अगर ये खुल जाता है तो इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो पहले हम इसकी बैटरी लगाकर चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो मेरे पास दोस्तों एक मोबाइल का बैटरी था एक दूसरे मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी पुराने ज़माने का नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, तो इस वाले के लगाते हैं इसके अंदर सिंपली। और इसमें दोस्तों आप देखें तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ शोल्डर जैसे हुआ है, तो इसको शोल्डर जो है इसको हम डिसोल्डर कर लेते हैं, शोल्डर आने के साथ से साफ़ कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से बैटरी का टर्मिनल इसके ऊपर फिक्स हो जाए। तो इस चीज़ को फटाफट से कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको साफ़ कर लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से इसके टर्मिनल्स को थोड़ा सा सही कर देंगे। कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ़ करने के बाद दोस्तों अब हम इसके अंदर बैटरी को लगाएंगे, इसका बैटरी में चेक कर लेते हैं वोल्टेज को, बैटरी को भी। अब बैटरी को चेकिंग करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर इसको DC 20 वोल्ट पर सेट कर दूंगा, जिससे बैटरी चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ पर टच करूँगा तो आप लोग देख सकते दोस्तों ये बैटरी भी तकरीबन सही है, इसके अंदर चार्ज है 3.77 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब दोस्तों बैटरी 2-3% चार्जिंग है इसके अंदर, बैटरी के अंदर जितना दिखा रहा है उस हिसाब से, वरना 4.45 अगर दिखा रहा है तो बैटरी फुल हो जाता है, लेकिन बैटरी 3.77 दिखा रहा है, जिसके मतलब है कि बैटरी 2-3 पॉइंट चार्ज है। तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं मोबाइल फोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। ऑन नहीं होगा तो इसको मदरबोर्ड को खोलेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा और रिपेयरिंग करेंगे, कैपेसिटर चेक करेंगे, पावर आईसी चेक करेंगे, सारी चीज़ें। चलो इसको फिक्स कर देते हैं इस तरह से और अब इसको खोलते हैं। इसका दोस्तों जो है ये शीशा जो है इसके ऊपर ये फूटा हुआ है, बाकी डिस्प्ले बिल्कुल मुझे ठीक दिखता है। चलो इसको ऑन करते हैं फिर देखते हैं। तो भाई साहब मोबाइल फोन तो खुल रहा है यार, बिल्कुल ठीक दिख रहा है मुझे तो।
और इसका कैमरा भी है और इसके अंदर दो सिम लगता है, एक चिप लगता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर गाने सुन सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, और यहाँ पर दो सिम आपको दिखा रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है दोस्तों इसका, और इसके अंदर कुछ टाइमिंग हमें सेट करना पड़ेगा। तो टाइमिंग अभी हो रहा है 5:47 हो रहा है। तो इसके कवर को भी लगा देते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो टाइमिंग दोस्तों अभी इस बार सेट नहीं किया है, 5:47 हो रहा है। तो टाइमिंग जबकि हमारे मोबाइल में जो है वो 5:50 हो रहा है, यानी शाम का टाइम है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो है चार्जिंग है, इसके अंदर 2% चार्जिंग है, बाकी ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, रेडियो, स्टोर, और बहुत सारे इसके अंदर सेटिंग्स है, कैमरा, कैलकुलेटर, BP, ब्लूटूथ, टेम्परेचर, और बहुत सारी सेटिंग्स है इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस है, गेमेस है, और बहुत सारे वैसे तो इसके अंदर कैमरा, फोटोज़, वीडियोज़, एल्बम, टाइमलाइन। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन मुझे समझ लीजिए कि फ्री में मिल गया, और वो भी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कुछ ख़राबी नहीं था। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर हमने सिर्फ बैटरी लगाया है, बाकी मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया है। तो अब दोस्तों फाइनली ये वाला मोबाइल फ़ोन जो है वो बिल्कुल ठीक था, और इसके अंदर मैंने सिर्फ बैटरी लगाया और ये चालू हो गया। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करते सारे फंक्शंस। तो अब दोस्तों इस वाले मोबाइल फ़ोन को मैं आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं इसको मोबाइल को आपको दे दूंगा अगर ठीक होगा। तो अब दोस्तों इसको पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आइडिया काफ़ी सिंपल सा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट कर देना है, जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा उसके ये वाला मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, ये वाला मोबाइल फ़ोन इस ज़माने के लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अगर आप बच्चे हो तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम की है, वरना अगर सिर्फ बात करनी है आपको और नाम से गाना सुनना है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है ये मोबाइल फ़ोन। तो आप लोग इसको ले सकते हो, या फिर एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट के लिए भी इस वाले मोबाइल फ़ोन को पा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर देना और आप लोग इस वाले मोबाइल फ़ोन को पा जाओगे, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को ये अनाउंसमेंट कर दूंगा कि ये वाला मोबाइल फ़ोन कौन मिला, किसको मिला। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।